अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आ गई हूँ आप लोगों की अपनी दुबई लाइफ विद मी एक न्यू व्लॉग के साथ। और आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे कुछ स्कूल की चीज़ें शेयर करना चाहूँगी। यहाँ पे स्कूल का कितना खर्चा है, कितनी फ़ीस है, स्कूल की बुक्स वगैरह कितने की आती है, यहाँ पर यूनिफॉर्म वगैरह कितने में आते हैं, और काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसीलिए मैं आज आप लोगों के साथ ये सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। और ये जो क्लिप है ये सितंबर का है, जब स्कूल स्टार्ट हुए थे कोविड के बाद, फेस टू फेस स्टार्ट हुए थे, तो सभी ने यूनिफॉर्म चाहिए, सबको ही यूनिफॉर्म चाहिए था, तो काफ़ी रश था वहाँ पर, और सिर्फ ऑनलाइन ही बुकिंग कर रहे थे, इसी में ही वहाँ पे शॉप पे अलाउ कर रहे थे, अदरवाइज़ अंदर जाना भी अलाउ नहीं था। दुबई में तो बिल्कुल भी नहीं था, और मतलब बिल्कुल एक महीने के बाद तक का भी जो है अपॉइंटमेंट है वो नहीं था। और फिर हम लोग शारजा, ये जो ब्रांच है ये शारजा की ब्रांच है, वहाँ पे हम लोग को ऑनलाइन बुकिंग मिल गई थी, तो हम लोग वहाँ पर चले गए थे फिर शारजा में, और वहाँ से हम लोग ने यूनिफॉर्म लिए थे। और ये अल रमीज मॉल है, और यहाँ से हम लोग ने लिया था, और यहाँ पे वैसे भी काफ़ी अच्छी ऑफर्स भी थी। ये जो शॉप थी ये तो स्कूल की शॉप थी, तो वहाँ पे तो हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव थी, और हम लोग ने वहीं से ही ली थी। बाकी मैंने शूज़ वगैरह वहाँ से नहीं लिए, मैंने जो अल रमीज मॉल था अंदर जो सुपर मार्केट थी, मैंने ये शूज़ वगैरह वहाँ से लिए। हर चीज़ की ऑफ़र थी, तो मुझे ये मॉल जो है बहुत अच्छा लगा। और ये जो स्कूल के यूनिफॉर्म की प्राइस है, ये जो येलो कलर का है ये पीई का यूनिफॉर्म है, ये इसका ट्राउज़र है, और ये जो है ये केजी वन और ग्रेड वन के यूनिफॉर्म है। और मगर ये है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि ये लोग ने गलत कैटलॉग बना लिया था और गलत यूनिफॉर्म दे दिया था। तो जब स्कूल में मेरा बेटा ये यूनिफॉर्म पहन के गए थे, तो उन्होंने टीचर ने कहा कि ये तो केजी वन का है, तो मेरे बेटे ने यहाँ पे केजी वन नहीं पढ़ी थी, मतलब एफएस टू यहाँ पर नहीं पढ़ा था, तो इस वजह से गलत यूनिफॉर्म आ गया था, तो फिर इन्होंने चेंज कर दिया था। अदरवाइज़ यहाँ पे चेंज नहीं होता है अगर स्कूल में यूज़ हो गया हो तो। और जो ये येलो यूनिफॉर्म है इसके साथ वाइट शूज़ है, और जो स्कूल का यूनिफॉर्म है डेली यूनिफॉर्म उसके साथ ब्लैक शूज़ और ब्लैक सॉक्स वगैरह हैं। तो यहाँ पर जो है दो ही यूनिफॉर्म होते हैं, ये हर स्कूल में ही दो यूनिफॉर्म होते हैं। और इसकी प्राइस जो है आप लोग देख सकते हैं, उसमें मैंने आप लोग को दिखाई थी, मैं आप लोग को फिर से दिखा दूंगी इसकी प्राइस क्या थी। और ये शूज़ वगैरह मुझे यहाँ पे बहुत सस्ते मिल गए थे, अगर मैं वहीं से ही लेती तो 75, 80 और 45 इस तरह के जो है वहाँ पे प्राइस थे। ये देखें, ये दूसरा कैटलॉग है, और ये जो है जो पीई का यूनिफॉर्म है ये तो बिल्कुल ठीक था। इसकी प्राइस है, सिर्फ शर्ट जो है वो 75 धर्म की है, और जो ट्राउज़र है वो 83 धर्म का है, और ये केजी वन का जो है वो 73 धर्म की शर्ट है, और फुल स्लीव्स की जो है वो 78 का है। और बाकी भी आप लोग देख सकते हैं, देखें यहाँ पर जो लिखा हुआ है ग्रेड वन का ही लिखा हुआ है। और अगर आप लोग से आप लोग के साथ भी कभी ऐसा कुछ हो जाए तो आप लोग भी घबराया मत करें, और शॉप पे जाके बात क्या करें। मैं थोड़ी सी घबरा गई थी क्योंकि ये जो यूनिफॉर्म है ये FS2 का है, मगर इन्हीं की ही गलती थी, अगर मैं डर जाती तो मेरे बहुत ज़्यादा पैसों का लॉस हो जाता, क्योंकि वैसे ही इतना एक्सपेंसिव यूनिफॉर्म है, और मैं फिर न्यू ले लेती तो काफ़ी लॉस होता। लेकिन इनकी टीचर बहुत अच्छी थी, तो टीचर ने मुझे कहा कि आप बात करके चेक करें, तो वाकई में बात की तो मुझे रिटर्न कर दिया। और इसके साथ स्टिकर भी कहा था कि स्टिकर भी लगाने होते हैं, लेकिन अभी तक ये स्टिकर वगैरह काम नहीं आए। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें हो वो ना परचेज़ करें, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें यूज़ में नहीं आती। अब तक तो ये स्टिकर यूज़ में नहीं है, और ये भी 40 धर्म का था, इसमें 40 स्टिक जो स्टिकर होते हैं ना, 40 स्टिकर थे। और यहाँ पर जो है स्कूल की जो फ़ीस है, ये द वेस्ट मिनिस्टर स्कूल है, इसकी जो फ़ीस है वो ग्रेड वन की 1000 तक हो जाती है। ऐसे तो 1000 से थोड़ी सी कम है, 900 और कुछ है, लेकिन कुछ टैक्स और कुछ कंप्यूटर क्लासेस वगैरह मिलाकर 1500 या इसके बीच में ही कुछ फ़ीस है। और इसके अलावा जो इनकी स्कूल की बस की फ़ीस है वो भी 400 और कुछ है, मतलब 500 के अंदर ही है। तो ये स्कूल मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और इसकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, और जो इसकी रैंकिंग है वो भी गुड में है। और ये जो मैं आपको दिखा रही थी, ये मैं आप लोग को ये दिखा रही थी कि अंदर जो
जो गर्ल्स के जो हेयर बैंड है और पोनी वगैरह है, ये सब कुछ भी इनके स्कूल के ही होना चाहिए, अदरवाइज दूसरा नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा जो मेरा बेटा पहले स्कूल में जाता था वो अल सलाम स्कूल थी, वो भी बहुत अच्छी स्कूल थी, लेकिन उसकी फ़ीस जो थी वो 1700 थी, और जो बस की जो फ़ीस थी वो 1500 थी। तो वो तो समझे हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते, क्योंकि स्कूल की जो बस की फ़ीस थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन मेरे तो घर के पास ही स्कूल था, तो मैं तो वॉक के साथ जाके उसको छोड़कर आ जाती थी। और जो द वेस्ट मिनिस्टर है वो भी घर के बिल्कुल पास है, तो इसीलिए मुझे इतना टेंशन नहीं है। और जो लोग दूर रहते हैं तो वो लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं स्कूल की बस की फ़ीस भी, तो इसीलिए मुझे द वेस्ट मिनिस्टर जो है वो बहुत अच्छा लगा। और ये ब्रिटिश स्कूल है, और ख़ासकर हम पाकिस्तानियों को जो है वो ब्रिटिश स्कूल है वो ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि पाकिस्तान में भी ये जो स्कूल हैं वो हमारी रेंज में आ जाते हैं। अमेरिकन स्कूल है वो थोड़े हाई हो जाते हैं, यहाँ पर भी हाई है अगर गुड रैंकिंग में देखा जाए तो। और इसके अलावा इंडियन स्कूल भी हैं, और सभी स्कूल अच्छे हैं, बस वो गुड में होने चाहिए तो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और अगर ब्रिटिश स्कूल आप यहाँ पे सर्च करेंगे गुड में, तो सारे एक्सपेंसिव हैं, और जो नॉर्मल स्कूल है वो कुछ कुछ ही हैं। और इसमें जो सबसे बेस्ट स्कूल था वो द वेस्ट मिनिस्टर ही था, और एक विंचेस्टर था, और विंचेस्टर में भी दूसरी ब्रांच बन गई है, तो सब उसी में ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसीलिए उसका नाम भी थोड़ा सा मतलब आगे पीछे हो रहा है, मतलब कम हो गया। और जो द वेस्ट मिनिस्टर है इसमें तो एडमिशन मिलते ही नहीं है, ये तो लकी, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा लकी था जो अभी जो फ्लैट्स वगैरह बंद हो गई थी तो उसके अंदर एडमिशन ओपन थे और इसको यहाँ पे एडमिशन मिल गया, वरना यहाँ पे एडमिशन नहीं होते। जैसे जो बच्चे ऑलरेडी यहाँ पे एडमिशन वाले हैं उन्हीं के ही ब्रादर सिस्टर और उन्हीं को ही ज़्यादा एडमिशन मिलते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे न्यू एडमिशन बहुत ही कम ओपन होते हैं। और ये जो शीट है ये प्लास्टिक कवर है, ये जब आया था तो मुझे समझ ही नहीं आया था कि क्या चीज़ है, लेकिन ये प्लास्टिक कवर है। और बाकी आप लोग देख सकते हैं बुक्स वगैरह है, तो बुक्स वगैरह भी 780 धर्म की सारी बुक्स आ गई थी। लेकिन कभी भी आप लोग बुक्स वगैरह स्कूल से बाय करें तो घर पर आकर देख लिया करें कि सारी चीज़ें जो इन्होंने लिखी है टिक किया है वो सारी चीज़ें इन्होंने दी है या नहीं दी है, क्योंकि मैंने ये चीज़ नहीं देखी थी। मैंने बोला नहीं यहाँ पर सब चीज़ें देख कर दी होगी, तो मैंने इस चीज़ पर इतना गौर नहीं किया था। लेकिन जब स्कूल स्टार्ट हुए और मैंने देखा तो एक जो बुक थी वो नहीं थी, टोटल 12 बुक थी साइंस की, जो 6 थी वो राइटिंग की थी और जो 6 थी वो रीडिंग वाली जो होती है वो थी, लेकिन उसमें से एक बुक मिस थी, लेकिन इसके ऊपर टिक किया हुआ था। तो आप लोग भी ज़रूर देख लिया करें, लेकिन शुक्र है कि वो बुक इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी, 15 धर्म की थी तो चल गया। अगर वो महंगी होती 60 धर्म की होती तो काफ़ी वो होता कि ये क्या हो गया। तो ये चीज़ ज़रूर चेक कर लिया करें। ये देखें 735 धर्म का ये पूरा सब कुछ मिला के आ गया था, इसमें कलर भी है और ये ग्लू वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं ये सब कुछ इतने का आ गया था। जिन स्कूल की फ़ीस ज़्यादा है उनके अंदर ये सब कुछ इंक्लूड होता है, जैसे मेरा बेटा पहले जिस स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ पर सब कुछ इंक्लूड था, कोर्स वगैरह बुक्स वगैरह सब वहीं से ही स्कूल में से ही मिल जाती थी, मतलब फ्री थी, वो सब फीस के अंदर ही इंक्लूड था। और यहाँ पर जो है वो सब हमें खुद से लेना था, जो मैंने आपको बताई प्राइस 700 और कुछ के अंदर ये सब कुछ आ गया था। जो लोग UAE में रहते हैं वो लोग मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग के बच्चे कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं और आप लोगों को कौन सी स्कूल पसंद है यहाँ पर, चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, या बांग्लादेशी हो, या कोई भी कंट्री से हो। ज़रूर आप लोग भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा आप लोग को कौन सी स्कूल अच्छी लगती है और कहाँ से हैं आप, दुबई में, अजमान, अबू धाबी, जहाँ से भी हो स्कूल ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी आइडिया। और मैंने जो आप लोग को पहले रोलर दिखाया था बड़ा सा, जो मैंने कहा तो प्लास्टिक कवर है, ये देखें वो इस तरीके से लगता है, और इस तरीके से मतलब यहाँ पर जो है सिर्फ प्लास्टिक कवर ही लगाना होता है, बाकी ब्राउन पेपर या वाइट पेपर नहीं लगाना होता है। तो ये भी मैंने आप लोग के साथ शेयर कर लिया, जो लोग न्यू हैं यहाँ पर और जिनको नहीं आता है तो उनके लिए भी इजी हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम जब लगाते हैं तो ये ख़राब भी हो जाता है, तो ये बिल्कुल इजी तरीका है, तो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर लिया। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो लाती रहूँगी। ये भी काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि मैं स्कूल वगैरह आप लोग के साथ शेयर करूँ, मेरा बेटा कौन सी स्कूल में जाता है और यहाँ पर स्कूल की क्या फ़ीस होती है, तो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी।
मैं इसी तरीके की वीडियो लाती रहूँगी। फिर इंशाल्लाह न्यू वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय।